वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से, ठीक है। लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब तक हमने एक से लेकर 75 तक, ठीक है, एक एक करके डिस्कस कर लिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लीजिए, जो कि आपका फर्स्ट यूनिट के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। यूनिट आपका क्या है, फर्स्ट है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मोड में होंगे, ठीक है, इसलिए सभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बीएससी आपका सेकंड सेमेस्टर है, ठीक है, और पोर्शन पढ़ के आ रहे हैं केमिस्ट्री, ठीक है। बीएससी सेकंड सेमेस्टर और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 76 क्या हो जाएगा, पढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें वीडियो को, और अपने साथियों को शेयर भी कर दें, ठीक है। निम्न में से सबसे मीठी शुगर कौन सी है, ठीक है, सबसे मीठी शुगर कौन सी है, क्या ग्लूकोज है या आपका माल्टोज है या फ्रक्टोज है या आपका सुक्रोज है, ठीक है। सबसे मीठी शुगर की बात कर रहा है तो कौन सी हो जाएगी आपकी, कई बार ये हमने पढ़ा है, क्या कहते हैं उसको, फ्रक्टोज, ठीक है, और फ्रूट शुगर के नाम से भी इसको जानते हैं, जो कि सबसे मीठी शुगर आपकी होती है, ठीक है। 77 निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट कांच को सिल्वरिंग करने में प्रयुक्त किया जाता है, कांच के ऊपर सिल्वर जो चढ़ाई जाती है उसको कौन सा आपका कार्बोहाइड्रेट यूज किया जाता है, क्या आपका फ्रक्टोज यूज किया जाता है या सुक्रोज यूज किया जाता है या सेलुलोज यूज किया जाता है या आपका ग्लूकोज यूज किया जाता है, ठीक है। कांच के ऊपर जो एक लेयर लगाई जाती है सिल्वर टाइप, उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट आपका यूज किया जाता है वो आपको बताना है, ठीक है। 77 का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, 77 तो इसमें किसका कौन सा कार्बोहाइड्रेट यूज किया जाता है, तो ये आपका होता है ग्लूकोज, ठीक है। कौन सा होता है, ग्लूकोज जो है आपका कार्बोहाइड्रेट, वो कांच को सिल्वरिंग या कांच के ऊपर एक सिल्वर की परत लगाने में किया जाता है। 78 की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, सुक्रोज को किसको, सॉरी ग्लूकोज को जब शुष्क HCl की उपस्थिति में CH3OH के साथ में गर्म किया जाता है तो वह तो अल्फा और बीटा मेथिल ग्लाइकोसाइड बनते हैं, तो यह होता है क्योंकि इसमें निम्न में से क्या पाया जाता है, ठीक है, क्या बनेगा आपका, अल्फा और बीटा मेथिल ग्लाइकोसाइड बनता है, तो ये बताता है कि क्या इनमें से कौन सा समूह प्रेजेंट है जिसके कारण आपका ये अल्फा और बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड बनता है, ठीक है। कब, जब ग्लूकोज को शुष्क HCl की उपस्थिति में CH3OH के साथ में गर्म किया जाता है, तो एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित है या CH2OH समूह उपस्थित है या एक बलय संरचना प्रस्तुत है तो उपस्थित है या 5-हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है, ठीक है, जिसके कारण आपका अल्फा बीटा मेथिल ग्लाइकोसाइड बनता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 78 का आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्यों बनते, कब बनते हैं, तो इसमें प्रेजेंट क्या होता है आपका, एक प्रकार की रिंग संरचना पाई जाती है, ठीक है, क्या पाई जाती है आपकी, एक प्रकार की रिंग संरचना पाई जाती है किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है, किसमें आपकी, ग्लूकोज में, तो रिंग संरचना पाए जाने के कारण इसको HCl शुष्क HCl के साथ में किसके ऊपर, किसके साथ गर्म करते हैं, CH3OH के साथ में गर्म करते हैं, तो ये क्या देता है, अल्फा और बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड बनाता है, ठीक है। तो इससे यही पता चलता है इसमें क्या है आपका, एक प्रकार की रिंग संरचना है या बलय संरचना जो है इसमें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है, स्टार्च खनिज अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटित होकर देता है, स्टार्च किसकी उपस्थिति में, खनिज अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन पर क्या देता है ये बताना है, क्या ग्लूकोज देता है या फ्रक्टोज देता है या आपका माल्टोज देता है या आपका सुक्रोज देता है, आंसर करेंगे क्या हो जाएगा आपका 79 का, ठीक है, क्या क्या आपको मिलता है। चलिए स्टार्च की अगर हम बात करें तो अम्ल की उपस्थिति में स्टार्च अपघटित होकर क्या देता है, ग्लूकोज देता है, ठीक है, स्टार्च क्या देगा आपको, ठीक है, किसके साथ में, एसिड के साथ में, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, ग्लूकोज, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज हैं क्या है ये, क्या प्रकाशिक समावयवी हैं या क्रियात्मक समावयवी हैं या श्रृंखला समावयवी हैं या आपके स्थित समावयवी हैं, तो निम्न में से कोई एक आपका आंसर ठीक है, जो कि आपका बताता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, ठीक है, क्या है ये आपको बताना है, 80 का आंसर करेंगे आप क्या हो जाएगा, ठीक। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की अगर हम बात करें तो दोनों कैसे होते हैं आपके, क्रियात्मक समावयवी, ठीक है, कैसे होते हैं, क्रियात्मक समावयवी, या इनको हम कहते हैं फंक्शनल आइसोमर, ठीक है, क्या होते हैं ये, फंक्शनल आइसोमर होते हैं, ठीक है, केवल इनका जो कार्बन
कार्बन पर जो इनका ऑक्सीजन का अरेंजमेंट होता है ठीक है वही इनका डिफरेंट होता है ठीक है। किसी में आपका फ्रक्टोज में फर्स्ट कार्बन पे आपका क्या लगा रहता है सी डबल बॉन्ड ओ और एच, और सेकंड नीचे क्या लगा रहता है ओ एच ठीक है। ग्लूकोज में क्या लगा रहता है आपका सी एच टू ओ एच, और नीचे क्या लगा रहेगा सी डबल बॉन्ड ओ ठीक है। तो यही केवल फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर इनकी पोजीशन में चेंज रहता है, बाकी इनका पूरा मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होता है ठीक है। चलिए नेक्स्ट 81 ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका बी। 81 की अगर हम बात करें तो कह रहा है ग्लूकोज अणु में असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या है, तो ग्लूकोज अणु में ऐसे कितने असममित कार्बन परमाणु हैं वो बताने हैं आपको ठीक है। तो क्या आपका एक है या दो है या चार है या छः है ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी ग्लूकोज में, आंसर करेंगे 81 का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए असममित कार्बन परमाणुओं की अगर हम बात करें तो इसमें आपके चार कार्बन जो है असममित परमाणु होते हैं ठीक है। क्या है आपका सी एच टू ओ एच, फिर आपका क्या है सी एच ओ एच का जो है होल फोर लगा रहता है, फिर आपका आ जाता है सी एच टू ओ एच ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से कितने आपके जो है इसमें असममित कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, तो चार जो है आपके असममित कार्बन परमाणु पाए जाते हैं ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। 82 कह रहा है जब ग्लूकोज ब्रोमीन जल से क्रिया करता है तो मुख्य पदार्थ क्या बनता है ठीक है। ग्लूकोज किससे क्रिया करेगा, ब्रोमीन वाटर के साथ में, और पदार्थ क्या बनेगा, क्या ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, सैकरिक अम्ल बनता है, सार्बिटॉल बनता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर करेंगे 82 का क्या हो जाएगा, कौन सा अम्ल बनता है ठीक है। आंसर करेंगे कौन सा अम्ल जो है आपका बनता है, तो जब ग्लूकोज आपका ब्रोमीन वाटर से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है आपका ग्लूकोनिक अम्ल ठीक है। क्या बनता है ग्लूकोनिक अम्ल, सी डबल ओ एच सिंगल बॉन्ड सी एच ओ एच का जो है होल फोर और सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच, इसको कहते हैं ग्लूकोनिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको, जी ए ठीक है, ग्लूकोनिक अम्ल कहते हैं। जो कब बनता है, जब ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन वाटर के साथ में कराते हैं ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है सुगर केन तथा ग्लूकोज के मध्य विभेद करने वाला प्रतिकारक कौन सा है ठीक है। विभेद करने वाला आपका प्रतिकारक कौन सा है, केन सुगर ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं सुक्रोज भी कहते हैं, सुक्रोज भी कहते हैं, और ये तो आपका ग्लूकोज है ही है ठीक है। तो क्या मॉलिस प्रतिकारक होता है, या आयोडीन विलयन होता है, या वायर प्रतिकारक होता है, या आपका फेहलिंग विलयन होता है ठीक है। तो इनमें से एक कोई ऐसा आपका रिएजेंट है जो क्या बताएगा केन सुगर और ग्लूकोज के बीच में अंतर को बताएगा ठीक है, दोनों में क्या अंतर है। तो ये क्या है आपका 83 फेहलिंग विलयन ठीक है। क्या है फेहलिंग विलयन आपका, किसमें भाई ग्लूकोज और सुक्रोज के बीच में जो है विभेद करता है ठीक है। क्या करता है विभेद करता है, और इसका काम क्या होता है फेहलिंग विलयन का, ये आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप और आपका कीटोनिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप में क्या करता है ये विभेद करता है ठीक है। तो इससे पता लग जाता है कि किसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप है और किसमें आपका कीटोन ग्रुप है ठीक है, फेलिंग विलयन। और इसका नाम क्या होता है सी यू एस ओ फोर, या इसको कहते हैं सी यू टू और ओ ठीक है। तो ये आपका फेलिंग विलयन है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, जो सुक्रोज और ग्लूकोज में जो विभेद करेगा ठीक है। 84 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है निम्न में कौन कीटो हेक्सोज है, निम्न में कौन सा कीटो हेक्सोज है, मतलब कि कार्बन पे क्या लगा रहा होगा आपका डबल बॉन्ड ओ लगा रहा होगा, बाकी आपके छः कार्बन मतलब आपका क्या है एक मोनोमर है ठीक है। क्या है आपका ग्लूकोज हो सकता है फ्रक्टोज हो सकता है, लेकिन वो कौन सा है जिसमें आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा रहेगा, भाई आपका क्या कहलाएगा कीटो हेक्सोज ठीक है। तो क्या ग्लूकोज होता है, या फ्रक्टोज होता है, या माल्टोज होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो कीटो हेक्सोज के नाम से आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। चलिए तो अगर हम बात करें सी डबल बॉन्ड ओ, तो ये आपका किस में पाया जाता है भाई फ्रक्टोज में पाया जाता है ठीक है, किस में पाया जाता है फ्रक्टोज में ठीक है। तो भाई कीटो हेक्सोज क्या हो जाएगा आपका फ्रक्टोज हो जाएगा ठीक है। 85 निम्न में कौन सा डाइसैकेराइड है, अब क्या है भाई डाइसैकेराइड कौन सा है, क्या ग्लूकोज डाइसैकेराइड है, या फ्रक्टोज डाइसैकेराइड है, जाइलोज डाइसैकेराइड, या सुक्रोज डाइसैकेराइड है। तो भाई ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपके कैसे होते हैं मोनोसैकेराइड होते हैं ठीक है, और सुक्रोज आपका कैसा होता है भाई डाइसैकेराइड होता है ठीक है। तो हम आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, डाइसैकेराइड सुक्रोज आपका ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है सुक्रोज का जल अपघटन है क्या है, एस्टरीकरण कहते हैं या साबनीकरण कहते हैं या जलयोजन कहते हैं या प्रतिपण कहते हैं। ठीक है, ना एस्टरीकरण कहते हैं ना साबनीकरण कहते हैं और ना ही जलयोजन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, प्रतिपण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रतिपण। एस्टरीकरण एस्टर का निर्माण, साबनीकरण साबुन का निर्माण, ठीक है, और जलयोजन जल का क्या होता है, योग हो जाए किसी में। ठीक है, 87 क्वेश्चन नंबर 87 सुक्रोज का सही नाम है, ठीक है, क्या है सुक्रोज का सही नाम, इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस किया था, उसका स्ट्रक्चर भी देखा था क्या होता है, तो इसका सही नाम क्या है ये आपको बताना है। क्या इसको अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइल कहते हैं, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइल और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरोनोसाइड कहते हैं, या बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइल और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरोनोसाइड कहते हैं, या अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइल या अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरोनोसाइड कहते हैं, या बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइल या अल्फा एल फ्रक्टोफ्यूरोनोसाइड कहते हैं, तो इनमें से कौन सा नाम सही है, किसका, सुक्रोज का, बताना है आपको कौन सा हो जाएगा 87 का आंसर करेंगे आप, क्या हो जाएगा 87 का आंसर। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाता है आपका अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइल और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरोनोसाइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सही नाम हो जाएगा, किसका, सुक्रोज का। ठीक है, चलिए 88 की अगर हम बात करें, इससे पहले वीडियो में हमने इसका स्ट्रक्चर भी बनाया है। ठीक है, 88 कह रहा सुक्रोज के जल अपघटन के बिना जल अपघटन से बना मिश्रण होता है, सुक्रोज का जब जल अपघटन किया जाता है तो कौन सा मिश्रण बनता है, कैसा होता है, क्या वो आपका वामावर्ती होता है या दक्षिणावर्ती होता है या प्लस माइनस समवर्ती होता है या आपका ध्रुवण आघूर्णक होता है। ठीक है, तो ये ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी इसको पढ़ा था। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका वामावर्ती होता है। ठीक है, कैसा होता है आपका वामावर्ती, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेशन को शो करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। 89 की बात करें, कह रहा है सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है, अभी सुक्रोज का जल अपघटन करने पर क्या बनता है, क्या ग्लूकोज के दो अणु बनते हैं या फ्रक्टोज के दो अणु बनते हैं, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में प्रत्येक के एक अणु बनते हैं, ग्लूकोज तथा मैनोज में प्रत्येक के एक अणु बनते हैं, तो कितनी बार हमने इसको सुक्रोज को पढ़ लिया है, क्या देता है आपका ग्लूकोज का एक अणु और एक ही अणु आपका फ्रक्टोज का देता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में प्रत्येक के एक अणु देगा, आंसर सी हो जाएगा 89 का। ठीक है, 90 की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, 90 सुक्रोज को सांद्र H2SO4 के साथ में गर्म करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, इसको हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था, उसमें हमने जाना था ये कार्बन देता है और जल देता है। ठीक है, तो क्या CO और CO2 मिलेगा, क्या CO और SO2 मिलेगा, क्या CO CO2 SO2 मिलेगा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जब आप सुक्रोज को किसको C12H22 और O आपका 11। ठीक है, किसके साथ में, प्लस आपका H2SO4 रहेगा, इसके साथ में जब इसको गर्म किया जाता है तो ये क्या देता है, ये आपके कार्बन देता है प्लस आपका जल देता है। ठीक है, बाकी जो बच गया आपका H2SO4 वो भी थोड़ी बहुत मात्रा में बाहर निकल जाता है, कार्बन कितने हैं 12। ठीक है, तो ये कार्बन और जल देता है। ठीक है, तो इनमें है कोई, तो इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सुक्रोज को सांद्र H2SO4 के साथ में गर्म करने पर कार्बन और जल का निर्माण होता है, जो कि यहाँ पर किसी ऑप्शन में नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट 91 कह रहा है लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस से बनता है, लैक्टोज का जब हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो क्या मिलता है, क्या दो ग्लूकोज मिलते हैं, क्या दो लैक्टोज में गैलेक्टोज मिलते हैं, या एक गैलेक्टोज और एक फ्रक्टोज मिलता है, या एक गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज अणु मिलता है, सेम क्वेश्चन भी हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन बिल्कुल सेम, तो क्या मिलता है अभी लैक्टोज से आपको, एक तो गैलेक्टोज का अणु मिलेगा और एक क्या मिलेगा, ग्लूकोज। ठीक है, क्या गैलेक्टोज और ग्लूकोज, ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है। ठीक है, लेकिन उनकी अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल फार्मूला की, ठीक है, तो उनमें थोड़ा जो है चेंज रहता है, एक में आपका इस तरह से और दूसरे में आपका जो है ऑक्सीजन की पोजीशन कभी लेफ्ट कभी राइट रहती है। ठीक है, यही आपका हो जाएगा। 92 क्या कह रहा है, सांद्र
HNO3 की क्रिया सुक्रोज से कराने पर क्या बनता है, इसको भी हमने 2 से 3 बार पढ़ लिया है। तो क्या CO देता है, CO2 देता है, या COOH का होल टू एच प्लस H2O देता है, या CO2.SO2 देता है, कार्बन और हाइड्रोजन देता है? नहीं, ये कब मिलता है, जब H2SO4 की रिएक्शन करते हैं, ठीक है, सुक्रोज के साथ में। लेकिन किसके साथ, HNO3 की क्रिया करते हैं, तो हमें क्या मिलता है भाई, हमें मिलता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH, इसको हम कहते हैं ऑक्जैलिक एसिड, प्लस कुछ मात्रा में आपका H2O भी बन जाता है, ऑक्जैलिक एसिड, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑक्जैलिक एसिड और आपका जल, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें मिलती है कब, जब हम सुक्रोज की क्रिया किसके साथ में करते हैं, सांद्र HNO3 के साथ में, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल के साथ में। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा, सुक्रोज में मुक्त CH2 समूह नहीं पाया जाता है, इसकी पुष्टि होती है, ठीक है, सुक्रोज में आपका जो है, ये लो 93, सुक्रोज में मुक्त CH2CHO समूह नहीं पाया जाता है, इसकी पुष्टि होती है। मतलब क्या यह ओसाजोन नहीं बनाता है, या यह एसिटिक एनहाइड्रिड से क्रिया नहीं करता है, या HIO4 से ऑक्सीकृत नहीं होता है, या NH2OH से क्रिया नहीं करता है? तो इनमें से कोई एक ऐसा कारण है जो इसकी पुष्टि करता है कि आपका सुक्रोज में CHO ग्रुप नहीं पाया जाता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, क्या यह ओसाजोन का फॉर्मेशन नहीं करता है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, इससे पीछे वाले वीडियो में। तो इसका काम क्या होता है भाई, ये ओसाजोन का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है। अगर ओसाजोन का फॉर्मेशन करता तो क्या हो जाता, तो इसमें आपका जो है CHO ग्रुप पाया जाता, ठीक है। मान लो ओसाजोन का फॉर्मेशन कब होगा, जब कार्बन पे आपका C(O) लगा हो, या आपका जो है C(OH) लगा हो, OH लगा होगा, इसे भी हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, C(O) में कन्वर्ट करना होगा। जब तक ये ग्रुप नहीं लगा होगा C(O), तब तक ये ओसाजोन नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये आप, इसमें CHO समूह नहीं पाया जाता है, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप नहीं पाया जाता है। तो इससे पता चलता है कि ये ओसाजोन का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है। ओसाजोन, जैसे अगर हम बात करें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पर क्या लग जाता है आपका, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, और नाइट्रोजन और C6H5, ठीक है। तो ये जो दो कार्बन पे, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे आपका ये दो सेम ग्रुप लग जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं ओसाजोन, क्या कहते हैं, ओसाजोन कहते हैं, ठीक है, जो कि आपका नहीं बनाएगा, इसमें ये ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। तो इससे पता लगेगा ये ओसाजोन नहीं बनाता है और इसमें CHO ग्रुप नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है, लैक्टोज HCN से क्रिया करके साइनोहाइड्रिन बनाता है, इससे सिद्ध होता है, ठीक है, इसको भी हमने लगभग 1-2 बार पढ़ लिया है, ठीक है, एक बार तो हमने पढ़ ही लिया है। क्या करता है भाई, लैक्टोज आपका HCN से क्रिया करके साइनोहाइड्रिन बनाता है, इससे क्या पता चलता है, इसमें हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है, या इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है, या इसमें कार्बोक्सिल समूह उपस्थित है, या क्रियात्मक समूह नहीं है, ठीक है। तो ये HCN से क्रिया करके साइनोहाइड्रिन बनाएगा, क्या बनाएगा, साइनोहाइड्रिन बनाता है। कैसे पता चलेगा, क्या कौन सा ग्रुप इसमें प्रेजेंट है या कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर करेंगे, ठीक है। तो कब बनाएगा भाई, इसमें क्या होता है आपका, कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, क्या होता है आपका, कार्बोनिल समूह जो है उपस्थित होता है, ठीक है, C(O), और ये क्या कर लेता है भाई, HCN से कर लेता है अभिक्रिया, HCN से कर लेता है अभिक्रिया, और बना क्या देता है आपका, क्या बना देगा आपका, साइनोहाइड्रिन, क्या बना देगा, साइनोहाइड्रिन, यानी कि कार्बन सिंगल बॉन्ड CN, और इसी से क्या लगा रहता है आपका OH, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी से क्या लगा रहता है OH, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका साइनोहाइड्रिन, ठीक है, क्या बन जाता है, साइनोहाइड्रिन, ठीक। अगला, लैक्टोज किसको अपचयित नहीं करता है, लैक्टोज इनमें से किस चीज को या कौन से पदार्थ को अपचयित नहीं कर पाता है, ये आपको बताना है। क्या फेलिंग बिलियन को अपचयित नहीं कर पाता है, टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित नहीं कर पाता है, वेनेडिक्ट को अपचयित नहीं कर पाता है, या शिफ अभिकर्मक को अपचयित नहीं कर पाता है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 96 का आंसर, ठीक है, 96 का, तो यहाँ पर 94 से 96 आ गया सीधे, ठीक है।
क्या होना चाहिए इसको, 95 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 95। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 95 का। चलिए आंसर करेंगे, फेलिंग विलियन, टॉलन अपकर्मक, बेनेडिक्ट विलियन या शिप अपकर्मक, कौन सा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 95 का। तो ये क्या करता है भाई, लैक्टोज जो है ये फेलिंग विलियन को अपचयित नहीं कर पाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, CuSO4, या इसको कहते हैं Cu2 और O। ठीक है, ये फेलिंग विलियन आपका होता है। ठीक है, जो कि इसको लैक्टोज जो है इसको अपचयित नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 96, वैसे 96 आना चाहिए लेकिन यहाँ लिखा है 97। ठीक है, तो लैक्टोज की क्रिया NH2OH से कराने पर बनता है, क्या बनेगा लैक्टोज की क्रिया जब NH2OH से करा दोगे, तो क्या ऑक्सेन बनेगा, साइनोहाइड्रिन बनेगा, या हाइड्रोजन बनेगा, या लैक्टोबायोनिक एसिड बनेगा, कौन सा बनेगा आपका इन, जब आप लैक्टोज की क्रिया NH2OH से करा दोगे, तो ये आपको बताना है। आंसर करेंगे आप 97 का। ठीक है, क्या 97 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसकी अगर हम बात करें तो जब ये आपका अभिक्रिया करता है NH2OH, तो क्या बन जाता है भाई, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो रहता है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और सिंगल बॉन्ड OH में। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं ऑक्जैम। क्या कहते हैं, ऑक्जैम। तो मींस ये क्या बनाता है आपका, ऑक्जैम बनाता है। ठीक है, कौन, लैक्टोज, कब, जब NH2OH से क्रिया करता है तब। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 आना चाहिए, वैसे लिखा यहां पर 98 है। ठीक है, कोई नहीं। सुक्रोज का अणुसूत्र है, तो सुक्रोज का अणुसूत्र क्या है, केवल आपको ये बताना है, क्या C12H2SO11 है, क्या C12H20O12 है, C6H12O6 है, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम सुक्रोज को पढ़ते चले आ रहे हैं शुरू से, सूत्र क्या होता है उसका, C12H2SO11। ठीक है, C12H22 और O11। ठीक है, कौन सा है, पहला है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, C12H22O11 किसका सूत्र है आपका, सुक्रोज का अणुसूत्र है। ठीक है, 98 क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा, निम्न में कौन सी शर्करा फेलिंग अभिकर्मक के साथ परीक्षण नहीं देती है। ठीक है, फेलिंग विलयन के साथ में या फेलिंग अभिकर्मक के साथ में परीक्षण नहीं देती है, कौन सी शर्करा है, क्या ग्लूकोज ऐसा परीक्षण नहीं देता है, या लैक्टोज ऐसा परीक्षण नहीं देता है, या सुक्रोज ऐसा परीक्षण नहीं देता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कोई एक ऐसी आपकी शर्करा है जो फेलिंग अभिकर्मक के साथ में परीक्षण या टेस्ट नहीं देता है, तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, 98 का क्या हो जाएगा। चलिए, तो सुक्रोज जो है एक आपकी ऐसी शर्करा है जो कि आपका क्या है, डाइसैकेराइड है, जो फेलिंग विलयन यानी कि CuSO4 या इसको किस नाम से जानते हैं, Cu2O के साथ में जो है ये परीक्षण नहीं देता है। ठीक है, ये इसको अपचयित तो नहीं कर पाता है, तो परीक्षण भी नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 99 की अगर हम यहाँ पर बात करें, कह रहा सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या इसको किण्वन कहते हैं, क्या इसको हाइड्रेशन कहते हैं, या इसको सेफोनिफिकेशन कहते हैं, या इसको इन्वर्जन कहते हैं। किण्वन, ठीक है, फर्मेंटेशन नहीं कहते हैं, सेफोनिफिकेशन साबुन का निर्माण नहीं होता है इसमें, हाइड्रेशन भी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है भी, इन्वर्जन, इसको क्या कहेंगे हम, इन्वर्जन कहेंगे। और आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, चलो कोई नहीं, 100 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, 1 to 100 यूनिट आपका फर्स्ट है, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सभी क्वेश्चन आपके कार्बोहाइड्रेट से ही रिलेटेड होंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर द वीडियो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू।